मोहन भगवत जो बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कितने मर्तबा हमने सुना कि मुसलमान आबादी बहुत बढ़ा रहे हैं। हकीकत यह है कि 2060 में, अभी हम 2024 में हैं, 36 साल के बाद हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 74.7% पर, और उसके 40 साल बाद 2100 ईस्वी में मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 18.8%। यानी मुसलमान की आबादी कभी भी इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी से ज्यादा नहीं होगी। मगर ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है। आरएसएस ना चीफ मोहन भागवत ની એક ટિપ્પણી જેમાં તે મુસ્લિમોની આબાદી વિશે વાત કરી રહ્યા છે, કહી રહ્યા છે કે હિન્દુઓની ઓછી સંખ્યા છે, દરેકના ઘરમાં 3 બાળકો હોવા જોઈએ। આ વાત પર રાજનીતિ હવે ખૂબ ગરમાઈ છે। વિપક્ષના તમામ નેતાઓએ આ વિષય પર પોતાની વાત રજૂ કરી છે, પોતાના આંકડાઓ રજૂ કર્યા છે અને નાસિકમાં એક જાહેર સભાને સંબોધતા અસરુદ્દીન ઓએસીએ પીએમ મોદી અને મોહન ભાગવત પર ખૂબ પ્રહારો કર્યા છે। ઓએસીએ કહ્યું કે પીએમ મોદીએ પહેલાં કહ્યું હતું કે મુસ્લિમ મહિલાઓ વધુ બાળકો પેદા કરે છે, વસ્તી વૃદ્ધિમાં ઘટાડા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા આરએસએસના વડા મોહન ભાગવતે રવિવારે કહ્યું હતું કે આપણે જે હિન્દુઓની સંખ્યા છે ધીરે ધીરે ઓછી થઈ રહી છે, બાળકો ઓછા હોય છે અને મુસ્લિમોની સંખ્યા આબાદી વધતી જઈ રહી છે। આંકડાઓ સાથે મોહન ભાગવતે વાત કરી હતી અને એવું કહ્યું હતું કે મિનિમમ 3 બાળકો હોવા જોઈએ અને એના પછી વિવાદ શરૂ થયો, જેના જવાબમાં અસરુદ્દીન ઓવૈસીએ કહ્યું કે આ બધું જૂઠું ફેલાવવાની વાતો છે। 36 વર્ષ પછી હિન્દુ વસ્તી 74.7% પર સ્થિર છે અને 40 વર્ષ પછી પણ મુસ્લિમ વસ્તી 18.8% પર સ્થિર નથી, અને આનો અર્થ એ થાય છે કે આ દેશમાં મુસ્લિમોની વસ્તી હિન્દુની વસ્તીથી ક્યારેય પણ વધવાની નથી। એટલે ઓવૈસીએ આંકડાઓ સાથે સમજાવ્યું કે આગળ જતાં તમે કેટલા પણ વર્ષોનો સરેરાશ લઈ લો તો પણ મુસ્લિમોની વસ્તી હિન્દુઓ કરતાં ક્યારેય પણ વધવાની નથી। તો ઓવૈસીએ જે કહ્યું તે સાંભળો। મોહન ભાગવત જો બોલ રહે હૈ, મેં આપકો બતા રહા હું કે કિતને મર્તબા હમને સુના કે મુસલમાન આબાદી બહોત બડા રહે હૈ। हकीकत यह है कि 2060 में, अभी हम 2024 में हैं, 36 साल के बाद हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 74.7% पर, और उसके 40 साल बाद 2100 ईस्वी में मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 18.8%। यानी मुसलमान की आबादी कभी भी इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी से ज्यादा नहीं होगी। मगर ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है, बीजेपी ये झूठ को फैला रही है कि मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक दिन इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएगी। ये इनका पहला झूठ। दूसरा उनका दूसरा झूठ आपको बता रहा हूं, फर्टिलिटी रेट 92-93 में मुसलमानों का 4.41 था, 2019 और 21 में ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2.36 है। माने 92-93 में 4.41 से 2.36 पे आ गया। हमारे हिंदू भाई बहनों का फर्टिलिटी रेट 92-93 में 3.30 था, अब 1.94 है। मगर सबसे ज्यादा गिरावट आई है फर्टिलिटी रेट में मुसलमानों के। और फिर ये लोग बोलते कि हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल नहीं करते। माने कॉन्ट्रासेप्टिव को उर्दू में क्या बोलेंगे, हमल रोकना। हमल रोकना। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मर्दों में यूज करने वाले मुसलमान मर्द है। अब आप बताओ, आपका कारोबार चल रहा है मगर आप गाली हमको दे रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी और आरएसएस की तरफ से झूठ
और फिर आप मुस्लिम खवातीन भी कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करती है, डेटा है। हिंदू खवातीन 67.9 तो मुस्लिम खवातीन 60.2 इस्तेमाल करती है। मगर आज मोहन भगवत को मानना पड़ा। मैं ये बात हमेशा कह रहा हूं कि इस मुल्क में 25-30 साल के बाद एक बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी, बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी। उनके लिए क्या कर रहे हैं बताओ? जब इतनी बड़ी आबादी मुल्क की आज 140 करोड़ की आबादी में, अगर 30 साल के बाद करीब 35-40 करोड़ के करीब बुजुर्ग लोग रहेंगे तो उनके लिए तैयारी आज से करना पड़ेगा। मगर नहीं, उसकी तैयारी नहीं कर रहे। अब आरएसएस को बोलना पड़ रहा है कि बच्चे पैदा करो, ज्यादा पैदा करो, क्योंकि जापान वहां की आबादी बूढ़ी हो चुकी है, यूरोप के कई ममालिक हैं उनकी आबादी बूढ़ी हो चुकी है। आज भारत में जिसको अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते कि सबसे ज्यादा नौजवान अगर आबादी पूरे दुनिया में है तो भारत में है। मगर नरेंद्र मोदी उन नौजवानों को रोजगार देना, उन नौजवानों को जाकर बोलना मालेगांव में तुम्हारे पावर लूम की इंडस्ट्री को हम अच्छा करेंगे, तुम यहां पर काम करो, यहां के पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी को प्रमोट करना कुछ नहीं, मुल्क में इंडस्ट्रीज को कायम करना कुछ नहीं, मुल्क में रोजगार की स्कीमों को नाफिद करना ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके कुछ नहीं। जो नौजवान आर्मी एयरफोर्स में जाता था जिसके लिए विखार की बात समझी जाती थी, नरेंद्र मोदी ने कहा 4 साल अग्निवीर करो और 4 साल के बाद तुमको 15-20 लाख मिलेंगे, चले जाओ। कुछ नहीं प्लानिंग है। 30 साल के बाद सबसे ज्यादा बुजुर्गों की आबादी भारत में रहेगी। अब मोदी क्या कर दिए, बीजेपी आरएसएस क्या कर दिए, एक ही काम पे लगा दिए सबको, जाओ गले खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता। તમારું આ વિષય પર શું માનવું છે અમને કમેન્ટ્સમાં જણાવજો। અત્યારે આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ। જો તમે અમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો, ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હોય તો ફોલો કરજો, અમારા આ વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો।